सेकंड के लिए आप इसके रेंज बताइएगा? ओनली 10 सेकंड। चलो देखते हैं, आपको गिवन है y इक्वल्स टू 4 tan x है डॉट cos x। हाँ जी, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, और ये cos x हमने लिख दिए हैं, ये कैंसिल आउट हो गए हैं। हमारे पास क्या आ गया, 4 sin x, ये आपका क्या आ गया है भाई, y आ गया है, सॉरी ये आपका क्या आ गया है, y आ गया है। तो सर रेंज पूछा है, y क्यों निकाल रहे हो? y इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसको सोल्व कर लेते हैं। इस तरीके से हम रेंज नहीं बता सकते कि पहले टेन की बताए फिर कोस की बताए, नहीं, जितना सोल्व हो उतना सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो सर साइन 4x की रेंज क्या होगी? मैं बोलूंगा कि तुझे साइन x की रेंज पता है। हाँ सर पता है, साइन x की -1 से 1 के बीच में होता है। जब 4 बोला गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी -4 से 4, रेंज हो जाएगी आपकी -4 से 4। ध्यान से देखिएगा, रेंज आपकी हो जाएगी -4 से 4।